वालेकुम, आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला जारी है। बारिश में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम है और 8 जख्मी हो गए। बनू मालाकंड और हजारा डिवीजन के नदी नालों में तोहियानी, जबकि मालाकंड, बीर और हजारा में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। एबटाबाद, कुमराट, अशीरेदरा, डोगदरा और बरावाल में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हालिया बारिशों के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब तेज हवाओं के साथ तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर बनू मालाकंड और हजारा डिवीजन के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है, जबकि मालाकंड, दीर और हजारा में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि बाज़ अज़ला में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। तो तमाम अज़ला को ये बता दिया गया है कि पहले से वो हिफाजती इकदाम लें और इसके साथ साथ पेशावर में भी अर्बन फ्लडिंग का भी थोड़ा सा खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे फसल को जुज़वी नुकसान का भी खदशा है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर।